तो गाइस आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बैडमिंटन शू के पीछे का साइंस। आज हम हैं SSIPL के डेवलपमेंट सेंटर में। तो गाइस यहाँ जितनी भी सारी चीजें हैं, शू का जो टेस्टिंग होता है उसका अपर पार्ट का टेस्टिंग होता है, ठीक है, मिडसोल का टेस्टिंग होता है, आउटर पार्ट का टेस्टिंग होता है, तो सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बैडमिंटन शू बनने के पहले उसे 6-8 महीना टेस्ट किया जाता है, कुछ कुछ में साल भर लग जाता है एंड इसके बाद ही बल्क में प्रोडक्शन किया जाता है एंड फाइनली देन हमें शूज मिलते हैं। ये टेस्टिंग शूज बनने के बाद भी चलती रहती है जिससे उसका जो मटेरियल है, शूज है, उसकी क्वालिटी पता चलता रहे। तो गाइस शूज के हर पार्ट को क्या क्या बोलते हैं मैं आपको एक बार डिटेल में बता देता हूँ तो आपको वीडियो और अच्छे से समझ आएगी। तो ये हमारा शूज का अपर पार्ट, तो ये है इसका अपर पार्ट। इसका साइज 9 नंबर है, ये 5-6 नंबर है इसलिए ये छोटा लग रहा है। तो ये इसका अपर पार्ट ऐसा रहता है। उसके बाद जो बीच में जो व्हाइट वाला आप देख रहे हो ये हमारा मिड सोल होता है। तो ये है शूज का मिड सोल जैसे कि आप देख सकते हो। एंड जो पीछे से ये वाला देख रहे हो आप येलो कलर का, ये हमारा एक्स कुशन है। तो कुशन इतना सा रहता है जैसे कि आप देख सकते हो, ये इसके मिडसोल में ऐसा लगता है। और उसके बाद ये ग्रेफाइट शीट लगती है बीच में, ये शीट दिखती नहीं है बेसिकली, अंदर में रहती है, स्टिच होती है। एंड उसके बाद फिर हमारा आता है ये आउटर सोल शूज़ के जो नीचे जो हमें ग्रिप देता है, तो ये वाला हमारा आउटर सोल। उसके बाद फिर ये इसमें पूरा गम वगैरह, एडहेसिव गम वगैरह लगता है। एक और चीज़ है, ये हमारा इनसोल रहता है। तो सबसे पहले ये जो मिडसोल है जिसके आप देख सकते हो, इसमें एक मटेरियल लगता है, स्टिच होता है पूरा। उसके बाद फिर हमारा इनसोल इसके अंदर लगता है एंड इसके बाद शूज़ फिर रेडी हो जाता है। तो गाइस शूज़ बनने के बाद यहाँ टेस्टिंग होती है। इसको कम से कम 1.5 लाख बार मोड़ा जाएगा इसके फ्रंट को शूज़, जैसे कि आप देख सकते हो। इससे शूज़ की एक तो ड्यूरेबिलिटी की पता लगती है, साथ ही साथ जो फ्रंट में बैंडिंग है वो सही से हो रही है कि नहीं। एंड आपने देखा होगा कि बहुत सारे शूज़ कुछ समय बाद फ्रंट से बार बार बैंड होने के कारण उसमें लाइन टाइप का बन जाता है या वो फटना चालू हो जाते हैं। तो ये टेस्ट हेल्प करता है फ्यूचर में ऐसा शूज के साथ ना हो एंड इस टेस्ट को हम शू फ्लेक्स टेस्ट भी बोलते हैं। मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि अगर शूज फ्रंट से बैंड हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शूज बीच से बैंड नहीं होना चाहिए। तो बीच से बैंड ना हो इसलिए ये जो ग्रेफाइट शीट है वो लगाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रंट से बैंड हो रहा है मेरा, लेकिन ये बीच से बैंड नहीं हो रहा है, तो ग्रेफाइट शीट रोक रहा है बीच से बैंड होने में। इसके कारण आपको और ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है शूज में। तो गाइस ये जो अपर पार्ट रहता है शूज का, हम उसका ड्यूरेबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं। ये हमारा पीयू लेदर है जैसे कि आप देख सकते हो एंड हम उसको उसके मैक्सिमम लिमिट तक खींचते हैं जिससे ये पता लगेगा कि ये मटेरियल कितना ज्यादा स्ट्रेस ले सकता है। जैसे कि आप देख रहे हो शूज़ के जो लेस है वो बार बार आगे पीछे हो रहे हैं एंड जब भी हम शूज़ को बांधते निकालते हैं तो बार बार वो रगड़ते हैं तो उससे वो फटते हैं। तो यहाँ वही चीज़ टेस्ट हो रही है। सो गाइस इसमें चेक होता है शूज़ के ऊपर प्रिंटिंग एंड ब्रांडिंग जो रहती है वो निकले नहीं, तो उसी को यहाँ चेक किया जा रहा है। आपने देखा होगा शूज़ में कभी कभार पीलापन आ जाता है जनरली वाइट कलर के शूज़ में, तो वो ऐसा ना हो फ्यूचर में इसलिए ये टेस्ट किया जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये शूज़ को ओवन टाइप के मशीन में रखा गया है, वो भी हाई टेम्परेचर में। तो गाइस यहाँ शूज़ के मटेरियल चेक होते हैं कि बार बार इसे टेस्टिंग किया जाता है कि वो फट तो नहीं रहे है। ये हमारा एजिंग टेस्ट, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो कि बल्क में मैन्युफैक्चर हुआ ये सारे शूज एंड इसको एक दिल्ली के वेयर हाउस में रखा गया जहाँ टेम्परेचर अराउंड 45 डिग्री है, लेकिन वहाँ वेंटिलेशन ना होने के कारण टेम्परेचर 50 डिग्री हो गया। तो इसके कारण क्या होता है, कभी कभार शूज के साइज भी चेंज हो जाते हैं। तो ये ऐसा ना हो इसलिए हम एजिंग टेस्ट करते हैं। इस टेस्ट में आउटर सोल को टेस्ट किया जाता है कि वो कितना जल्दी घिसता है। तो एक छोटा सा सर्कल सा पार्ट लेते हैं आउटर सोल का एंड इस मशीन में लगाया जाता है एंड उसके बाद जो नीचे वाला सिलेंड्रिकल शेप में मशीन है वो रोटेट होता है। तो आपने देखा होगा कुछ शूज बहुत जल्दी घिस जाते हैं, तो ये सारी चीजें इस टेस्ट में पता लगता है। अगर हम कंपेयर करें बैडमिंटन शू को रनिंग शू से, तो बैडमिंटन शू थोड़ा सा जल्दी घिसते हैं कंपेयर टू रनिंग शू, बिकॉज इसके तीन रीजन है मेरे हिसाब से। पहला, इसमें नॉन मार्किंग रबर सोल यूज होता है। दूसरा, जो हमारे मूवमेंट है वो काफी ज्यादा रहते हैं कंपेयर टू रनिंग शू। एंड तीसरा, जो फोर्स लगता है मूवमेंट करने के टाइम बैडमिंटन कोर्ट में वो थोड़ा सा ज्यादा रहता है कंपेयर टू रनिंग शू। इस मशीन में टेस्ट किया जाता है शूज का जो ब्रांडिंग है इंसोल में वो निकले ना, साथ साथ जो इंसोल के ऊपर मटेरियल यूज होता है वो फटे ना। तो इंसोल का एक सर्कल शेप में काट के इस मशीन में लगाया जाता है एंड और डिटेल में ये अंकल बता रहे हैं, आप सुनिए। सैंपल को राउंड सैंपल काट कट करके इसके अंदर लगाया हुआ है और कपड़े से रब करते हैं इसको 12,800 साइकिल रब करते हैं, देखते हैं कि ये रब करने के बाद क्या है कि ये प्रिंट वियर ऑफ हो रहा है कि नहीं। कई बार क्या होता है कि ये गायब हो जाता है यहाँ से। आपने चप्पल खरीदी होगी, पेंट 5 दिन में उतर के गायब हो गया, तो ये ड्राई कंडीशन और वेट कंडीशन दोनों में करते हैं। ड्राई में करते हैं 12,800,
वेट में करते हैं, 32 साइकिल करते हैं, पानी डालते हैं, इसको गीला करते हैं प्रॉपर तरीके से। तो गाइस ये हमारा कंप्रेशन टेस्ट, कभी कभार आपने देखा होगा जो हमारा इंसोल का शेप है वो बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, तो वो ऐसा ना हो इसलिए ये टेस्ट परफॉर्म करना पड़ता है। 130 केजी का फोर्स डाल के इसमें ना इसको दबा के रखते हैं टूवर्स के लिए, देखते हैं कितना आएगा इसके अंदर लोड सेल, इसके अंदर मटेरियल को यहाँ पे लगा के फिक्स करते हैं। अलग अलग मेथड्स हैं इसको, हम 50 जितना सोल होता है ना 10 mm का सोल है, इसको दबा के 5 mm कर देते हैं, इसको फिर हीट में रखते हैं 6 hours के लिए, फिर निकालते हैं, फिर नॉर्मल टेम्परेचर पर रखते हैं, फिर देखते हैं कि कितना दबा रहेगा, वो दोबारा उठ नहीं पाया है। इस टेस्ट में देखा जाता है ये जो हमारा मिड सोल है जिसे कि आप देख सकते हो, इसके ऊपर एक मटेरियल लगता है जैसे कि मैं बताया हूँ, तो वो मटेरियल इससे अच्छे से अटैच हुआ है कि नहीं वो चेक किया जाता है। तो ये जो मैं मटेरियल की बात कर रहा हूँ मिड सोल में लगने वाला, वो ये वाला व्हाइट कलर का होता है जैसे कि आप देख सकते हैं अंदर में। इस मशीन को हम अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाए लेकिन मैं इमेज के थ्रू दिखाता हूँ। ये पास है, मैंने कैसे पता लगा ये साथ में जो आ रहा है ना, थोड़ी सी वीडियो हटके थी, थोड़ी सी नॉलेजेबल थी बैडमिंटन शू के बारे में। आशा करता हूँ आप भी काफी कुछ सीखे होंगे, क्योंकि जब मैं इस फैक्ट्री का टूर कर रहा था तो पर्सनली मेरे को सीखने में बहुत कुछ मिला, एंड वही चीज को मैं वीडियो के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, एंड अ बिग थैंक्स टू 100 ब्रांड क्योंकि उनके वजह से ये पॉसिबल हो पाया।